Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. I praise the Lord that all of you are here today to worship God. मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ कि आप सब आज यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। Despite it raining outside, और इसके बावजूद कि बाहर बारिश हो रही है, everyone of you are here, आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं, with your jackets, अपनी जैकेट को पहने हुए, you had to travel from different places, और आप लोगों को विभिन्न जगहों से यहाँ तक सफर करना पड़ा। But I praise God that you have taken and given time for God. लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ कि आपने समय निकाला प्रभु के लिए। You see, when you give time to God, और जब आप प्रभु को अपना समय देते हैं, the Bible says God is not a debtor. और वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु किसी का उधार नहीं रखते हैं। He will return it to you, refund it to you. He will never hold you in liability. और वो जो भी आपने प्रभु को दिया है वो दोगुना चार गुना आपको वापस करेंगे। Amen. 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 Last week we have been listening about soul ties. और पिछले हफ्ते हमने आत्मिक रिश्तों के बारे में सुना। We were reading, we had heard about, and I told you that we will be continuing this session about soul ties the next Sunday. और मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि हम इसी टॉपिक पे हम अगले संडे भी बात करेंगे। Some of you could not be here. और आप में से कई जो पिछले हफ्ते थे नहीं हमारे साथ। Due to your jobs. आप अपने ड्यूटी में थे। But you can listen to the word through later on through the internet. लेकिन आप बाद में इंटरनेट के थ्रू इस वचन को सुन सकते हैं। I just want to give you a small idea about what soul ties are before I go into the word. और मैं वचन में जाने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आत्मिक रिश्ता या आत्मिक बंधन क्या होता है। Man is made up of three parts. और इंसान जो है वो तीन भाग में बना हुआ है। Body, शरीर, soul and spirit. Body, soul and spirit. शरीर, आत्मा और प्राण। The soul is that part of man which allows man, enables man to live practically in this world. और आत्मा वो है जो प्राण वो है जो मनुष्य को सांसारिक रूप में जीने का जीने में सहूलियत देती है। It is our emotions, it's our mind, it's our will. ये हमारे जो भावना है वो हम जो सोचते हैं हम जो करते हैं ये सारे उससे जुड़े हुए हैं। And I said how we are all of us have a soul inside of us which decides how we behave. और हम में से हर एक के पास एक प्राण अंदर है जो ये तय करता है निर्णय लेता है कि हम कैसे अपने आप को इस दुनिया में चलाते हैं। And I showed you an example. और मैंने एक उदाहरण भी आपको दिखाया था। I showed you about two different souls. और मैंने आपको बताया था कि ये दो तारे दो विभिन्न प्राण हैं। And what did I tell you? Who was which? और मैंने क्या बताया? कौन सा कौन था? Uncle was which one? Purple. Okay. And I was red. Uncle यूसुफ जो है वो नीले पर्पल रंग के हैं और पास्टर जो है वो लाल रंग के हैं। Two different souls. और विभिन्न प्राण के द्वारा two different parts of the world. दो 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 भिन्न प्राण जो विभिन्न जगह से हैं। We have our different behaviors. और हमारी अलग अलग तरीके का चाल चलन है। We have different ways we think. और हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। But as we begin to come closer and as we begin to get attached to each other. लेकिन जैसे हम एक दूसरे के पास आते हैं एक दूसरे जुड़ते हैं। As we develop friendships with each other. और जैसे ही हमें दोस्ती बढ़ती है। Slowly our souls get tied. हमारी जो प्राण है वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। We begin to pull each other to whichever direction that person is going. और हम एक दूसरे को अपने ताकत से ही अपने सामर्थ्य से एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। It is not influence. ये एक दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं है। Because of its influence, I can pull uncle to one side. क्योंकि प्रभाव के द्वारा पास्टर अंकल को एक तरफ खींच सकते हैं। But if his will and his decision-making power is more stronger, he will move aside. लेकिन अगर उनमें उनकी ताकत निर्णय लेने में ज्यादा है तो वो एक तरफ चले जाएंगे। But if you are tied together, लेकिन जब आप एक दूसरे से जुड़े हुए बंधे हुए हैं, pulled to each other's side. हम एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। According to the thoughts, according to our decision making power. और एक दूसरे के सोच से एक दूसरे के निर्णय लेने के सामर्थ्य से। I told you how ties are formed. और मैंने ये भी बताया था कि ये जो बंधन है ये कैसे बनते हैं। Soul ties are formed through close friendship, through vows, through intimacy, through promises that we make to each other. और ये प्राण बंधन जो है ये करीबी से होता है या वचन से होता है या प्यार से होता है शारीरिक रिश्तों से
होता है. It happens in different ways that soul ties are formed. और विभिन्न तरीके हैं जिससे ये बंधन बनते हैं. And today I wanted to, and then I had mentioned to you about different soul ties. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भिन्न-भिन्न प्रकार के बंधन कैसे होते हैं. What are the different examples I gave you? और मैंने उसमें आपको उदाहरण भी दिए हैं. One. क्या-क्या उदाहरण थे? Through. First and foremost, through marriage, yes. पहला जो सबसे बड़ा है वो है शादी के द्वारा. Second I had mentioned through. और दूसरा? Physical relationship, yes. दूसरा जो है शारीरिक रिश्तों के द्वारा. Then I had mentioned family, soul ties within the family, brother, sister, father, mother, father, father, child. और उसके बाद मैंने बताया कि किस तरह परिवार के जो रिश्ते उससे बनता है. And then I had mentioned to you soul ties between. Between friends, right? और उसके बाद दोस्तों के बीच में जो बंधन बनता है. Now today I want to talk to you about recognizing a bad soul tie. और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक गलत बंधन को आप कैसे पहचानेंगे. You see, good soul ties are not very easy to find. क्योंकि आप देखें कि एक अच्छी जो बंधन है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती. And it is not very easy to recognize also. और वो इतनी आसानी से पहचानी भी नहीं जाती. Because when you are doing good. क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, nobody is aware about it. किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता. But when you do a bad thing, लेकिन जब आप एक गलत काम करते हैं, when you do a wrong thing that is not supposed to be done, लेकिन जब आप एक गलत काम करते हैं जिसे करने की जरूरत नहीं है, immediately the world comes to know. और तुरंत ही संसार को उसके बारे में पता चलता है. How do you recognize a bad soul tie? और आप कैसे एक गलत बंधन को पहचान? How do you recognize that you are in a wrong relationship? आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप एक गलत रिश्ते में हैं? You are with the person that you're not supposed to be. आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिनके साथ आपको नहीं रहना है. The first and foremost thing that you recognize is as an abnormal attachment. और पहला चीज जो आपको पहचानने की जरूरत है वो है असाधारण जोड़ या असाधारण खिंचाव. There's an abnormal attachment that you have with that person, with that lady or with that man. और ये आपको एक असाधारण खिंचाव है उस इंसान के तरफ. How, वो मर्द है या How do you recognize that? आप उसे कैसे पहचानते हैं? You are always thinking about that person. आप हमेशा उस इंसान के बारे में सोचते हैं. Every moment of your life. हर पल अपने जीवन. Every time you do something. हर वक्त जब आप कुछ भी करते हैं. Whether it is drinking tea, whether it, when you wake up, when you go to the office, whatever you do. आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाय पी रहे हो, सवेरे उठे हो. You begin to think, what is that person doing? आप सोचने लगते हैं कि वो इंसान इस वक्त क्या कर रहा है. You might have had a relationship with a boy or a girl long time back. आपका शायद किसी लड़के या लड़की के साथ बहुत पहले. Now you are in India, now you are in Chandigarh, and that person is in some other country. और अभी आप चंडीगढ़ में और वो इंसान शायद किसी और देश में है. It is right now morning for you, for that person it is evening or it is night time. और आपके लिए शायद अभी सुबह है, लेकिन उस इंसान के लिए शायद रात या शाम होगा. But you are thinking about that person. लेकिन आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं. Relationship physically, or you have broken all relationship verbally with that person. आपने शायद शारीरिक तौर से या बोलचाल के तौर से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं. But you are always thinking about that person. लेकिन अभी भी आप हर वक्त उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं. You know, there is an example in Genesis chapter 34 verses 2-3. और उत्पत्ति उसके 34 का 2-3 में एक उदाहरण है. It talks about a man who has a relationship with a girl. और उसमें लिखा है कि एक इंसान का एक औरत के साथ एक रिश्ता है, शारीरिक रिश्ता है. He has a physical relationship with her. उसके साथ एक शारीरिक रिश्ता है. In the second verse, Genesis 34 verses 2, it says, he saw her, he took her, and he violated her. और उसमें ऐसा लिखा है कि उसने उसे देखा, उसे लिया और उसे violated her, he abused her. कुकर्म किया. He saw her, he took her, he violated her. ने उसे देखा, उसे लिया और उसके साथ कुकर्म किया. And then it says in the third verse. और उसके तीसरे पद में ऐसा लिखा है. His heart was drawn to Dina, the daughter of Jacob. और It says in one version, it says his soul cleaved to Dina, the lady or the girl that he had abused. You see, he begins to speak words of love to this lady. और यहाँ पे उसने उस औरत के साथ, उस लड़की के साथ प्यार भरे बातें करना शुरू किया. You see, when he had a physical relationship with her, जब उसने उसके साथ एक शारीरिक रिश्ता किया, it was not consensual. She did not agree to the relationship. वो तब उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी. He liked her, he wanted her, he took her and he abused her. वो चाहता था, वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसने लिया और ये कुकर्म किया उसके साथ. And then he begins to speak
words of love to her, vows, commitment, promises to this girl. और उसके बाद फिर उसने प्यार भरी बातें करने लगा उसके साथ उसके रिश्ते बढ़ाने लगा. And a physical relationship एक शारीरिक रिश्ता causes an attachment to form एक बंधन बनाता है. That he begins to pursue this girl again and again. He goes to the girl's father and he says, I want to marry her, I want to spend my life with her and I will do anything for her. और ये बंधन ऐसा बनता है कि वो बार बार उस लड़की के पिता के पास जाता है और हमेशा उससे उसके साथ रिश्ता करने के लिए उसे उकसाता है या बोलता रहता है. फिजिकल रिलेशनशिप एक शारीरिक आउटसाइड ऑफ मैरिज शादी के बाहर कॉस्ट अ टाई टू बी फॉर्म सो स्ट्रॉन्ग एक इतनी जबरदस्त जोड़ बनाई दैट लेटर ऑन व्हेन यू रीड कि आगे आप अगर पढ़ेंगे यू सी Jacob and his children, they begin to say, you need to be circumcised if you want to marry my daughter. और याकूब और उसके बेटे सारे बताने लगे कि आपको खतनी करना है अगर आप हमारे साथ रिश्ता जोड़ना. And he agrees, and his entire family agrees. He convinces his entire family to undergo circumcision just to be with this one girl. और वो लड़का अपने पूरे परिवार को ये जबरदस्ती करता है कि सारे खतनी करें ताकि वो इस लड़की से रिश्ता जोड़ सके. You see how a physical relationship begins to cause an attachment. और आप देखें किस तरह एक शारीरिक रिश्ता एक बंधन बना सकता है. This is why we always say. इसलिए हम हमेशा कहते हैं. Before marriage. शादी के पहले. Do not enter into a physical relationship, no matter whether you know or not that you're going to spend your eternity with that person. चाहे आप ये जाने या न जाने कि आप आने वाले दिनों में उस इंसान के साथ रहेंगे आप उसके साथ शारीरिक रिश्ता You might be engaged to that boy or you might be engaged to that girl. आपका शायद उस लड़के या लड़की के साथ एंगेजमेंट हुआ हो. But do not enter into a physical relationship. लेकिन एक शारीरिक रिश्ते में ना जुड़े. Unless you are married. जब तक आपकी शादी ना हो. The marriage bed is holy before God. और शादी का जो बिस्तर है वो पवित्र है प्रभु के आगे. We are not allowed to spend it widely and spend it very foolishly. हमें कोई हक नहीं है कि हम उसे मूर्खता पर के द्वारा या अपने तरीके से उसे व्यवहार करें या इस्तेमाल करें. Now let's just talk about science. आइए हम कुछ साइंस चिन्हों के बारे में बात करें. साइंस विज्ञान. Let's talk about science and chemicals. आइए हम विज्ञान के बारे में बात करें. And you know we have some doctors and some nurses, many people from medical field here. और हमारे बीच काफी डॉक्टर हैं, काफी नर्सेस हैं. Let me ask you, what's dopamine? Am I spelling it, saying it right? What's dopamine? You have exams coming up. मैं आपसे पूछूं कि dopamine क्या होता है? आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, आप पढ़े होंगे. What's dopamine? Dopamine क्या होता है? What is it? It's a drug. Okay, your professor is in batching. It is a neurotransmitter. Yes, it's a neurotransmitter. ये एक neurotransmitter है. इसका हिंदी में नहीं पता. Yeah, it's a neurotransmitter. What it does is ये क्या करता है? It transmits from one neuron to another, right? और ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है. नाउ व्हेन इज इट एक्टिव और ये कब चालू रहता है? व्हेन इज इट इंक्रीज्ड ये कब बढ़ता है? व्हेन डज इट लेवल इंक्रीज कब इसकी स्तर बढ़ता है? कब इसका स्तर बढ़ता है? When you infuse it, okay. What are some of the activities that causes an increased level of dopamine? Excitement. जब हम बात उत्सुक होते हैं. Somebody said making love. Yeah. It says, you know, I was reading on it. It was saying sex, drugs, and rock and roll. Rock and roll music. Okay. शारीरिक संबंध और ड्रग्स और नाच गाना इसको बढ़ाते हैं. Those who are addicted to drugs, you notice a higher level of dopamine in their blood. और जो बहुत ड्रग्स लेते हैं आप उनके शरीर में पाएंगे कि डोपामाइन बहुत ज्यादा है. What does dopamine do? Dopamine क्या करता है? It provides a feeling of enjoyment. वो एक आनंद भरा एक क्षण पैदा करता है. When you enter into a physical relationship, जब आप एक शारीरिक रिश्ते में घुसते हैं, dopamine increases and there is a sense of enjoyment. आपके शरीर में dopamine बढ़ता है और एक शारीरिक आनंद मिलता है. And after that act is over, और जैसे ही वो खत्म होता है, the level
decreases. और फिर धीरे-धीरे उसका स्तर गिर. But again, you want to have that high. Again, you want to have that in. You want to have that excitement once again. लेकिन फिर से आपको वो excitement या वो उस स्तर में पहुंचने की ज़रूरत पड़ती है. And it reinforces or motivates you to once again do what you did to get that same experience or same feeling. और ये आपको आपको और push करता है, जबरदस्ती करता है कि आप वही करें जो आपने पहले किया था. That is why you see high levels of dopamine in those who are drug addicts, those who are addicted to drugs or substances. इसलिए आप देखेंगे जो drug addicts हैं उनमें dopamine की स्तर बहुत ऊंचा रहता है. Now that's the same thing that happens when you have a physical relationship or when you have sex with a husband or a wife. और ये कारण है कि जब dopamine बहुत ज़्यादा होता है, जब एक शारीरिक संबंध होता है पति और पत्नी में. Within a husband and a wife relationship, yes, it needs to be excited. You need to be always in intimacy with one another. और ये ज़रूरी भी है पति पत्नी के बीच में कि हमेशा आप एक दूसरे के लिए उत्सुक रहें. But when you are doing outside of marriage, लेकिन जब आप शादी के रिश्ते से बाहर करते हैं, when you do it with somebody else outside of marriage, या फिर आप किसी और इंसान से करते हैं शादी के बाहर, what happens is you commit that act. और उसमें क्या होता है कि आप वो उस स्तर को पहुंचते हैं. You commit that act, you commit that physical relationship. Okay, आप वो शारीरिक रिश्ते वाले चीज को करते हैं. You have an excitement. आप excited होते हैं, उत्सुक होते हैं. Because you are not married, now there is guilt. और क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उसमें guilt, अफसोस में. You have guilt and then after some time again you have that great desire to have that relationship once again. और आपके अंदर अफसोस रहता है लेकिन फिर भी आपको वो रिश्ते में घुसने के लिए दोबारा और उत्सुकता रहती है. And slowly that excitement begins to build and again you want to have that relationship once more. और जैसे ही वो उत्सुकता बढ़ती है आप फिर से उस रिश्ते में दोबारा घुसने की कोशिश करते हैं. And then you commit that physical relationship or you commit that act once again with that person you know you're not supposed to commit that act. और फिर से आप उस इंसान के साथ वही रिश्ता करते हैं जिसको जानते हुए, इसके बावजूद भी कि आपको पता है कि उसके साथ आपको वो रिश्ता नहीं रखना है. This is what. और ये है वो चीज़. Happens when you awake sexual feelings before it is actually supposed to be aroused. Okay. ये वो स्थिति है जब आप शारीरिक रिश्ते के वो चाह जो है वो अपने अंदर जगाते हैं जबकि जगना नहीं चाहिए. You see, especially when you are young in schools. और खास करके जब आप स्कूल में जवान हो हैं. And when you enter into a physical relationship with a boy or a girl. और जब आप एक शारीरिक रिश्ते में जुड़ते हैं एक लड़के या लड़की के साथ. One thing that you notice about such young people is this. और एक चीज जो आप ऐसे में आपको एहसास होता है. You will notice that they go from one relationship to a breakup. Another relationship to a breakup, and they keep having that cycle one after another. और आप उसमें देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो हैं वो एक रिश्ते से टूटते हैं, फिर दूसरे रिश्ते में जुड़ते हैं, फिर दूसरे रिश्ते से टूटते हैं, फिर तीसरे रिश्ते में. You will also notice this in abusive relationships. और आप एक शोषित रिश्ता भी उसमें देखेंगे. A man or a boy who always abuses his girl. और एक मर्द या एक लड़का जो हमेशा अपनी लड़की को या जो औरत है उनसे अब्यूज करते रहते हैं, शोषित करते रहते हैं. He beats her, he hits her, he hurts her physically. और जब उसे मारते हैं, पीटते हैं या उसे हमेशा डांटते रहते हैं. But then afterwards, लेकिन उसके बाद, you see that woman again going back to that man. लेकिन आप देखेंगे कि वही औरत वापस उस इंसान के पास लौट जाती है. They might not even be married together. वो शायद उन दोनों की शादी भी नहीं हुई होगी. But she will keep going back to that man no matter how much of abuse she experiences from him. वो बार-बार उस इंसान के पास लौटती रहती है चाहे जितना भी शोषित या शोषण उसके साथ हुआ हो. Because क्योंकि their souls are tied together. क्योंकि उन दोनों की आत्माएं बंधी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई. Now, why do we say you should not enter into physical relationship? और हम क्यों कहते हैं कि आप किसी के साथ शारीरिक रिश्ते में ना जुड़ें? You see, this represents two souls. और देखें, ये दो प्राण को दर्शाती है. This represents two souls. ये दो प्राण को दर्शाती है. Whoever it might be, consider this as you. और चाहे कोई भी हो, आप अपने आप को वो समझें. And consider this. As the guy or the girl or the brother or sister or father or mother, whoever you are having a relationship with. और ये वो हैं जिसके साथ आपका रिश्ता है. And you begin to have a soul tie. और आप
एक दोनों के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं you begin to have a soul tie और आप एक प्राण रिश्ता या एक प्राण बंधन जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ and slowly you begin to get attached to each other और फिर धीरे-धीरे आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं you spend time with each other You spend time with each other. आप एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। You begin to like each other. You begin to eat together. You begin to talk together. You begin to do many things together. आप एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं और जो चीजें आप दोनों को पसंद है आप करते हैं। Slowly you become so tight together. और धीरे-धीरे आप इतनी अच्छी तरह किसी ने जुड़ जाते हैं that you will pull each other to each whichever side you want to go और आप एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं जिसका ज्यादा प्रभाव रहता है this is good in marriage ये शादी में बहुत अच्छा है because when god created adam and eve क्योंकि जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया था what did he say उसने क्या कहा था he said it is what did he say it is he didn't say it is good He didn't just say it is good. उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अच्छा है. Because in the Bible, when you read the creation, he says each day of creation, he says it is and it was good. It was good and it was good. क्योंकि अगर आप उत्पत्ति पढ़ें तो जब प्रभु सारे संसार की सृष्टि कर रहे थे तो हर चीज बनाने के बाद कह रहे थे कि ये अच्छा है. Then he creates Adam and Eve. और उसके बाद वो आदम और हवा को बनाते हैं. He brings them together. और वो दोनों को जोड़ते हैं एक-दूसरे के साथ. And then he says. और उसके बाद वो कहते हैं. It was very good. कि ये बहुत अच्छा है so this is good within marriage. और ये शादी के अंदर बहुत अच्छा But है outside of marriage, लेकिन शादी के बाहर when you have a relationship, जब आपका ऐसा एक रिश्ता है and when you break up, जब आप एक दूसरे से अलग होते हैं you tear apart a soul, part of your soul to each other. और आप उस प्राण का इस आत्मा का कुछ पार्ट या कुछ अंग आप छेद तो तोड़ देते हैं या फाड़ देते हैं and then you enter into a relationship with another person और फिर आप एक और इंसान के साथ फिर रिश्ते में but part of your soul is missing आपका एक अंग प्राण का पहले से ही खो चुका है now you are part of your soul is with the other person who is all the way in the US or all the way in the UK or all the way in Africa और क्योंकि आपने एक टुकड़ा उस इंसान के साथ है जो कहीं दूर में है or maybe he might be or she might be even in Chandigarh और या फिर वो इंसान या जो भी है शख्स या शख्सियत वो शायद चंडीगढ़ में भी हो नाउ यू आर ट्राइंग टू गेट अटैच्ड टू योर हस्बैंड और योर वाइफ और अब आप अपने पति या पत्नी से जुड़ने की कोशिश करते हैं यू कैन नॉट लेकिन आप ये हो नहीं पाता है बिकॉज़ यू आर नॉट कंप्लीट नाउ क्योंकि आप पूरी तरह नहीं है एवरी टाइम यू मेक अ डिसीजन हर बार जब आप एक निर्णय लेते हैं इवन व्हेन यू स्लीप टुगेदर जब आप एक दूसरे के साथ सोते हैं व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट टुगेदर जब आप एक खाने के स्थान पर रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए व्हेन यू टॉक टुगेदर जब आप एक दूसरे से बात करते हैं यू बिगिन टू थिंक अबाउट दैट पर्सन एंड यू बिगिन टू थिंक अबाउट द थिंग्स यू यूज्ड टू डू विद दैट पर्सन आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं और हर एक चीज जो आपने उस इंसान के साथ किया है उसके बारे में सोचते हैं यू बिगिन टू रिमेंबर व्हेन इवन व्हेन यू एंटर इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड और वाइफ जब आप अपने पति या पत्नी के साथ एक शारीरिक रिश्ते में घुसते हैं यू क्लोज योर आईज एंड यू इमेजिन द पर्सन दैट यू हैड अ रॉन्ग रिलेशनशिप विद और आप आंख बंद करते हैं और आप ये तुलना करने लगते हैं उस इंसान के साथ जिसके साथ आपने एक रिश्ता जोड़ा हुआ है I remember talking to a person and that person was saying even when I'm sitting with my husband and when we are having tea और पास्टर एक इंसान से बात कर रहे थे उसने ऐसा कहा कि जब मैं अपने पति के साथ बैठती हूँ और चाय पीती हूँ and as I watch my husband drink tea और जब मैं अपने पति को देखती हूँ चाय पीते हुए immediately in front of me the vision of that boy comes into my mind और तुरंत ही मुझे मेरे आगे वो लड़के का छवि आता है and I remember the times we used to go out we used to date and we used to spend time and how he would sit in front of me and drink tea और मैं उन क्षण को याद करने लगती हूँ कि किस तरह हम दोनों एक साथ बाहर जाया करते थे और किस तरह वो मेरे आगे बैठ के चाय पिया करता था दिस इज व्हाई इसलिए आई डू नॉट एनकरेज डेटिंग टू नो अ पर्सन इसलिए मैं प्रोत्साहित नहीं करता हूँ डेटिंग को कि हम एक दूसरे को जानने के लिए करें बिकॉज क्योंकि इट्स अ वेरी वेस्टर्न थिंग क्योंकि ये बहुत ही पश्चिमी सभ्यता है यू सी वी शुड नॉट कॉपी एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज वेस्टर्न हमें हर चीज जो पश्चिम में है हर चीज जो पश्चिम में उसे उसे हमें कॉपी नहीं करने की जरूरत है वी आर सो इंप्रेस्ड बाय द थिंग्स दैट आर इन द वेस्ट क्योंकि हम इस चीज से इतनी प्रभावित होते हैं जो पश्चिम में होता है वी कॉपी इट इवन विदाउट थिंकिंग व्हेदर इट इज गुड और बैड हम उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं इसके ये जाने बिना कि वो सही है या गलत है सम थिंग्स आर गुड
कुछ चीजें अच्छी हैं। I like wearing a suit. और मुझे सूट पहनना अच्छा लगता है। But some things are not good. लेकिन कुछ चीजें अच्छी नहीं हैं। Dating is something that God does not encourage. और डेटिंग एक ऐसा चीज है जो प्रभु भी इसे पसंद नहीं करते। Today we talk, we hear about living relationships. और आज हम एक दूसरे के साथ रहने वाले रिश्ते के बारे में भी सुनते हैं। And we hear about how people spend time with the boy or the girl just to know each other. और हम ये भी सुनते हैं कि किस तरह लड़का या लड़की एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं जानने के लिए दूसरे को। Why are you living just so that we will know if we can spend our eternity with each other? हम क्यों रह रहे हैं क्यों ताकि हम जान सके कि हम इंसान के साथ हमेशा रह सकते हैं कि नहीं। And then 2-3-4 years later they realize that they are not meant for each other. और 2-3-4 साल के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये शायद ये वो सही इंसान नहीं है। They separate and they form another soul tie. वो उससे अलग हो जाते हैं और एक और आत्मिक बंधन या प्राण बंधन को बनाते हैं। This is also why it is very difficult for some people. और इसलिए ये कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। To enter into a new relationship. एक नए रिश्ते में जुड़ने का। You see, there are so many unmarried people. और आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। They had a relationship. उनका कोई एक रिश्ता हुआ था। Long time back. बहुत साल पहले। And now they are growing old in age. और अब वो अपनी उम्र से बढ़ रहे हैं। But because they Their soul is torn apart. लेकिन क्योंकि उनकी आत्मा या उनका प्राण फट चुका है, टूट चुका है। They are unable to tie themselves or get married or give themselves to another person in marriage because part of their soul is missing. और इसलिए वो किसी और के साथ एक शादी के रिश्ते में जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ अंग उनके प्राण का या उनके आत्मा का खोया हुआ है। The second way you can recognize bad soul ties is this. और दूसरा जो तरीका है जिससे आप गलत बंधन को पहचान सकते हैं is we make bad decisions. Bad decisions. हम एक गलत निर्णय जब लेते हैं। You see, we make decisions that are against our beliefs and against our own will power. और ये ऐसे रिश्ते हैं जो हम अपने दिल के खिलाफ या अपने इच्छा के खिलाफ लेते हैं। Despite knowing that we should not do it, we still do it. और ये जानते हुए कि हमें नहीं करना चाहिए, हम फिर भी करते हैं। Two, three examples. I will give you one example is Ahab and Jezebel. और दो तीन उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है Ahab और Jezebel का। You see, Ahab and Jezebel, husband and wife, king and queen. और ये दोनों पति-पत्नी थे और राजा-रानी थे। And the Bible says they were one of the most wickedest couples in the Bible. और वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये शायद सबसे दुष्ट या शैतानी जोड़ी थे। Ahab comes from a godly lineage, godly generation. और Ahab जो है वो एक एक अच्छे या प्रभुता वाले पूर्वज से आते हैं। But his wife Jezebel was from a stone background. She was not knowing the same God that he knew. और जेजेबेल जो है वो एक ऐसे पूर्वज से आते हैं जिनको प्रभु के बारे में नहीं पता है। You read 1 Kings chapter 21 verses 25, it says there was none like unto Ahab who sold himself to work wickedness in the sight of the Lord. Now listen to this, whom his wife Jezebel stirred up or incited. पढ़ना हिंदी में, पहला राजा 21 का 25, 21-25, 1 Kings 21-25. सचमुच अहाब के तुले और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। His wife incited him to do the things that were wrong. और उसकी पत्नी ने उसे उकसाया वो सारी गलत चीजें करने के लिए। In 1 Kings chapter 11 verses 1 it talks about another king. और पहला राजा 11 के 1 से लेके 4 तक 1 to 5 you read it. 11 से 1 से 5 अगर पढ़ें you begin to read about King Solomon who loved many women. और वहां पे पाएंगे कि राजा सुलेमान जो बहुत सारी पत्नियों को प्यार करते he loved many, it says he loved many foreign women, he loved many not people, women who did not know God. और वो बहुत सारी ऐसी औरतों को प्यार करते थे जो प्रभु को नहीं जानते थे। And it says in the second verse they were from nations about which the Lord had told the Israelites you should not marry, but and they will because they will surely turn your hearts after their gods. और ये औरतें, ये रानियां कुछ ऐसे देश से आती थीं। Just read the second verse.
के विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरे। They will surely turn your hearts after their gods. और वो आपका मन अपने प्रभुओं की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। And as you read the if you read the fourth verse, it says his heart as he grew old, his wife turned his heart after other gods. और बता जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन प्राय देवताओं की ओर बहका दिया। You read the fifth verse, it says he followed Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेथ नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे। In the sixth verse it says, so Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। Today during the psalm reading we Nara talked about obedience before God. और आज भजन संगीता के पढ़ाई के वक्त हम बहन नारा से सुन रहे थे कि प्रभु के रास्ते में चलने के बारे वो बता रहे हैं। Obedience, obedience. We need to obey God. प्रभु की आज्ञा को मानना, आज्ञाकारी बनना। We need to obey God completely. हमें प्रभु की आज्ञा को पूरी तरह मानना है। God had given a command, do not marry. प्रभु ने कहा है कि शादी ना करें। Do not marry women who do not know the true and living God. उस औरत से शादी ना करें जो प्रभु जो जीवित परमेश्वर है उन्हें नहीं जानती है। Solomon is the best example of bad decisions. और सोलोमन जो है वो सुलेमान जो है वो सही इंसान है पहचानने के लिए कि कितने गलत निर्णय वो लिए हैं अपने जीवन में। Because when you read the books that he has written, क्योंकि जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखा है। What are the books that he has written? और वो कौन कौन सी किताबें हैं जो सुलेमान ने लिखा है? Proverbs, Ecclesiastes and Song of Songs. He wrote all Proverbs and Ecclesiastes. One thing that they focus and one thing that they emphasize again and again is this. Ecclesiastes. नीति वचन और सबोपदेश अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह सुलेमान ने उसमें अपने विचारों को रखा है। Again and again it begins to say fear of God, fear of God, fear of God. और बार-बार उसने उसमें दोहराया कि प्रभु का भय, प्रभु का भय, प्रभु का भय। Again and again he says do not follow after other women. He talks about the wayward woman again and again. और बार-बार वो ये बता रहा है कि दूसरे औरतों के पीछे मत जाना या जो जो अपने चरित्र से भटके हुए औरतों के पीछे मत जाना। Song of Songs talks about a very monogamous relationship, a relationship between one man and one woman, a one man one woman relationship. Song of Songs. श्रेष्ठ गीत में उन्होंने बताया कि हमेशा एक औरत के साथ रहने की जरूरत है। And the Bible says he was the wisest man in the world. और वचन ऐसा कहता है कि वो शायद पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान इंसान थे। But his wisdom did not keep him from foolishness. लेकिन उनका जो बुद्धि था वो उन्हें गलत काम करने से या मूर्खता करने से नहीं रोक पाई। Because he had a soul tie with women God told him he should not have. क्योंकि उनकी एक आत्मिक बंधन जुड़ी हुई थी ऐसे औरतों से जो प्रभु ने कहा था जिनके साथ रिश्ता नहीं रखना। But a very different example is Job. लेकिन एक बहुत अलग उदाहरण है यूब, अयूब। Because the Bible says, क्योंकि वचन कहता है, Job lost everything. अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया। He loses everything in his life. वो अपने जीवन में जितना कुछ कमाया था सब कुछ खो दिया। When he loses everything, जब उसने सारा कुछ खो दिया, his wife comes and tells him, उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, curse God and die. प्रभु को शाप दे और मर जा। Curse God and die. प्रभु को शाप दे और मर जा। In the 10th to Job chapter 2 verses 10. लेकिन अय्यूब पुस्तक 2 के 10 में ऐसा लिखा है। He does not listen or he does not obey his wife despite having a soul tie with his wife. लेकिन अय्यूब उसके 2 के 10 में लिखा है कि वो अपनी पत्नी उसने उससे कहा तू एक मूर्ख स्त्री किसी बातें करती है। Wait. Job says अय्यूब कहता है, he says you are talking, shall we accept only good from God and not trouble? क्या हम प्रभु से सिर्फ अच्छी बातें ही उम्मीद करें और गलत बातें ना करें? He says shall we accept only good? क्या सिर्फ अच्छी बातें उम्मीद करें? He does not curse God. He does not curse God. वो प्रभु को शाप नहीं देता। He does not curse God, but instead and at the same time he does not curse his wife. वो प्रभु को भी शाप नहीं देता और अपनी पत्नी को भी शाप नहीं देता। Listen what he says. और सुनिए वो क्या कहते हैं। He says, "Do not talk like a foolish woman." उसने उससे कहा,
Normally we would say, और अक्सर हम ये कहते हैं, many men husbands would say, और कई पति ये कहेंगे, you are such a fool. और कि तुम कितनी मूर्ख हो. But here he says, लेकिन वो यहाँ पे कहता है, even he has lost everything, इसके बावजूद भी कि उसने सब कुछ खोया है, he says, do not talk like a foolish woman. वो ये कहता है कि अपनी मूर्ख स्त्री की तरह मत बात करो. You see, when we begin to read Job. When we begin to read from Job, जब हम अय्यूब की किताब से पढ़ते हैं, God gives the devil permission to destroy everything. और प्रभु शैतान को ये अनुमति देते हैं कि अय्यूब के वो सारी चीजों को नष्ट कर दे. God says, "Do not touch him." लेकिन प्रभु कहते हैं शैतान को कि अय्यूब को छूना मत. Do not touch his life. उसके जीवन को छूना मत. We normally wonder why did the devil leave Job's wife? और हम कई बार सोचते हैं कि शैतान ने अय्यूब के पत्नी को क्यों छोड़ा? He took everything from him. He should have taken his wife. उसने सब कुछ उससे छीन लिया. उसकी पत्नी को भी ले सकता था. And normally people will say so that she would trouble him more. ताकि वो आमतौर से लोग ये कहेंगे कि ताकि लोग उसे और ज्यादा परेशान कर सके. वो उसे और ज्यादा परेशान. So that the woman would trouble him more. ताकि उसकी वो औरत उसे और ज्यादा परेशान. But the actual reason was. लेकिन उसका असली कारण ये है. His wife was very connected with Job. अय्यूब की पत्नी जो है वो अय्यूब से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई थी. In the entire incident, we did not see Job's wife leaving him. और ये पूरे किस्से में हम कहीं पे भी नहीं देखते कि अय्यूब की पत्नी उसे छोड़के चली गई. When God blesses him, और जब प्रभु उसे आशीषित करते हैं, Job 42 verses 12, अय्यूब उसका 42 के 12 में, it says he again has 7 sons and 3 daughters. और ऐसा वचन में लिखा है कि उसे दोबारा 7 लड़के और 3 लड़कियां होती है. Guess what? और ये सोचिए, he does not have it with another wife. और ये वो एक और पत्नी से नहीं पाता है. He has it with the same wife. उसे उसी औरत से प्राप्त होते हैं. And they did not have children by praying. और उन्हें ये बच्चे प्रार्थना में नहीं मिलते हैं. Do you understand what I'm saying? They had physical relationship. That means they were still in love. इसका मतलब वो शारीरिक रिश्ते में थे और वो एक दूसरे से प्यार करते थे. Even in the most darkest moments of his life, his wife stood by him. और उसके सबसे अंधकार भरे क्षण में भी उसकी पत्नी उसके साथ थी. When we make bad decisions, जब हम गलत निर्णय लेते हैं, because of the relationships we have, इसके कारण कि हमारे जो गलत रिश्ते हम बनाए हुए हैं, I know about people, और मैं लोगों के बारे में जानता हूँ, who have left this city, जिन्होंने ये शहर को छोड़ दिया, because her boyfriend is in another country. क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और देश में है. She took huge loans just to go to another country. और उसने बहुत लोन लिया ताकि वो दूसरे देश में जा सके. And the funny thing was, और सबसे मजेदार बात ये है, she left a very good job just to go into uncertainty and be with him. और उसने एक अच्छा खासा नौकरी को छोड़ दिया और एक अनिश्चितता में चली गई just खाली अपने वो लड़के के साथ रहने के लिए. The sad thing is, और दुख की बात यह है, they are still not married. और अभी तक उन दोनों में शादी नहीं हुई है. They are still deciding whether they should be married or not. और वो अभी ये निर्णय ले रहे हैं कि उनको शादी करने की जरूरत है या नहीं. Terry Savile, there's a preacher called Terry Savile. She gives 3 ways to recognize a bad soul guy. Terry Savile. Terry Savile gives 3 ways to recognize a bad soul guy. Terry Savile जो है एक bad soul. She's a preacher, yes. जो एक प्रचारक है उन्होंने गलत जो बंधन होते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है 3 चीजें. She says, if you have confusion in your mind, अगर आपके मन में दुविधा है, you are in a relationship, और आप एक रिश्ते में हैं, but there is no peace, लेकिन उसमें कोई शांति, there is no joy, उसमें कोई खुशी नहीं, there is confusion, और उसमें बहुत सारी असमंजसता है. Understand, ये सोच लें, समझ लें, that you are in a bad soul tie, समझ लें कि आप एक गलत बंधन में बंधे हुए हैं. If you are in a relationship, आप एक रिश्ते में हैं, and your mind is always tormented by the relationship, और आपका जो सोच है वो हमेशा इस चीज से पीड़ित है, you are always fighting with yourself about this relationship, और आप अंदर ही अंदर हमेशा इस रिश्ते के बारे में लड़ रहे हैं, then understand you are in a bad soul tie, और तब समझ ले कि आप एक गलत रिश्ते में हैं. The third thing she says, if you are always in misery, और तीसरा चीज जो बताते हैं कि अगर आप हमेशा दुख में हैं, you are always crying,
हमेशा रो रहे हैं. You are not able to function properly. आप एक तरह से काम नहीं कर पाए. You are not able to cook. You are not able to clean. You are not able to work. You are not able to concentrate. आप खाना नहीं बना पा रहे हैं. आप काम नहीं कर पा रहे हैं. आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे. Understand, you are in a bad soul tie. समझ लीजिए कि आप एक गलत रिश्ते. Now, how do you break free of a bad soul tie? और आप इस तरह के रिश्ते से कैसे अपने आप को आजाद करेंगे? First and foremost. पहली चीज जो आपको याद रखना है, acknowledge that you are in a bad soul tie. इस चीज को मान लें कि आप एक गलत रिश्ते में हैं. You know, many people say, और कई लोग कहते हैं, we are just friends. और हम ठीक हैं, हम सिर्फ दोस्त हैं. We're not in a bad soul tie. हम एक गलत रिश्ते में नहीं जुड़े हुए हैं. The one thing God hates. और प्रभु एक चीज से जो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं. Jesus was on this world. जब प्रभु यीशु इस धरती पे थे. Prostitutes came to him. और वेश्या उनके पास आई. Tax collectors came to him. और कर अदा करने वाले उनके पास आए. But he never spoke unkind words to them. लेकिन उन्होंने उनसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं किया. And the Pharisees came to him. लेकिन जब भी फरीसी उनके पास आए. He had the most unkindest words for them. वो सबसे गूढ़ शब्द उनके साथ इस्तेमाल किए. God hates hypocrisy. क्योंकि प्रभु हमेशा दिखावेपन से नफरत करते हैं. What is a hypocrite? और कौन है दिखावा करने वाला? कौन है? What is a hypocrite? और पाखंडी क्या है? One who ignores one's own sin. और वो है जो अपने पाप को मानने से अंगीकार करने से. I love Jesus. मैं हमेशा यीशु को पसंद करता हूँ. Because क्योंकि he goes to a prostitute. He sits where there are prostitutes in his presence. और वो एक ऐसे स्थान पे बैठते हैं जहाँ पे वेश्याएं काफी बैठी थीं. And he doesn't point to this. Prostitute and say you are a prostitute. और वो किसी भी वेश्या की तरफ उंगली उठा के नहीं बताते हैं कि तू एक वेश्या है. He goes to the tax collector's house. और वो कर अदा करने वाले के पास जाता है. He does not point his finger and he says you are a tax collector. और वो उसके तरफ उंगली उठा के नहीं बोलते हैं कि तू एक कर अदा करने वाला है. When he is in his own house. जब वो अपने घर पे हैं. And a Pharisee comes into his house. और एक फरीसी उनके घर आता है. In the middle of the night. और रात के बीच में. He says you must be born again. और वो उसे कहते हैं कि तुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत है. Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. अगर तू दोबारा जन्म नहीं लेगा तो तू प्रभु के राज्य को नहीं. That's the beauty about Jesus. और ये प्रभु यीशु की खूबसूरतता है. He does not tell a Pharisee, he does not tell a prostitute, he does not tell a tax collector, he does not tell the fisherman, he does not tell anybody to be born again. और वो एक वेश्या को, एक चुंगी लेने वाले को, एक मछुआरे को कभी नहीं बोलते कि तुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत है. He calls them and he says, your sins are forgiven. वो उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पाप माफ कर दिया गया. Your sins are forgiven. Your sins are forgiven. That's the one thing he keeps telling all the sinners that the world saw. और वो जितने पापी उनके पास आए, जितने पापियों से वो मिले, हमेशा सबसे कह रहे थे कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए गए. But the Pharisee he says. लेकिन जैसे ही फरीसी उनके पास आते हैं. You need to be born again. वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है. We need to acknowledge our sin. हमें अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत है. The sinners who came to Jesus acknowledged their sin and that is why they came to the person of Christ. और जो पापी परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आए, वो अपने पाप को अंगीकार करके प्रभु के आगे आए थे. You need, it does not mean that we need to shout it out that I am a sinner, this is what I did this. No. और इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी जोरों आवाज से अपने पापों का अंगीकार करें और लोगों से कहें कि हम पापी हैं और इतना भी ये पाप किया है. We need to acknowledge within ourselves that yes, I am a sinner. लेकिन हमें अपने आप में इस चीज को मानने की जरूरत है कि मैं पापी हूँ. And often it is very useful, very practical to take the help of a pastor when you break free, when you break a soul tie. और अक्सर ये काफी फायदेमंद रहती है कि अगर आप एक पासवान का मदद लें जब आप किसी रिश्ते से अपने आप को छुटकारा दिला रहे हैं. Because a pastor can help you go through the healing process. क्योंकि एक पासवान आपकी मदद कर सकते हैं जब आप चंगाई, आप आत्मिक चंगाई को जरूरत कर. How is it possible? और ये कैसे मुमकिन है? Through spiritual guidance. ये आत्मिक guidance के द्वारा. And through protection. और बचाव के द्वारा. Because when you pray with the pastor. जब आप एक पासवान के साथ प्रार्थना करते हैं. The pastor prays for you and protects you. पासवान आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको बचाते हैं. And he is able to also guide you in the right steps that you need to take. और वो आपको उस दिशा की तरफ दिखाते भी हैं जिस दिशा की तरफ आपको जाने की जरूरत है. Because we have soul ties and a lot of emotions that are involved. और क्योंकि ये आत्मिक बंधन है या रिश्ता है, इसके साथ बहुत भावनाएं भी जुड़ी होती है. There is emotions of anger, hate, sorrow. There's so many emotions that are involved. और इसमें गुस्सा, इसमें कुड़कुड़ाहट, इसमें घृणा, सारी चीजें इसमें होगी. And because this is a breaking of soul tie, there could also be at times manifestation of the spirit.
और कई बार ये जब रिश्ता टूटने वाला ये पल रहता है इसमें शैतान का भी दिखना बहुत लाजमी रहता है। Psalm 32 verses 3 to 5 it talks about David says when I kept silent my bones wasted away through my groaning all day long. Psalm 32 verses 3 Bajan Sahita 32 ka 3 when I kept silent my bones wasted away through my groaning all day long. 3 ha jab main chup raha You see, when we keep quiet about our sin, और जब हम अपने पाप के बारे में चुप रहते हैं, even physically we experience that burden. हम शारीरिक रूप से भी उस बोझ को हम महसूस कर पाएंगे. You know, there are some people who say, और कई लोग ऐसे हैं, I have forgotten about that relationship. मैं उस रिश्ते के बारे में पूरी तरह भूल चुका हूँ. Yes, I did wrong. हाँ मैंने गलती की yes, थी. I made a mistake. हाँ मैंने गलती की थी. But now we are in two different places. लेकिन हम अभी दो अलग अलग स्थान पर हैं. I have forgotten about him. मैं उस इंसान के बारे में पूरी तरह भूल चुका हूँ. David did the same thing. और दाऊद ने भी यही कहा. He entered into a physical relationship with Bathsheba. और वो बेथशेबा के साथ एक शारीरिक रिश्ते में जुड़ा. They had a child. और उनका एक बच्चा हुआ. He kept quiet about it. और वो उस चीज को दबा के रखने की कोशिश की. He thought nobody knows. उसे लगा किसी को पता नहीं चलेगा. And the Bible he says in the Psalm he says my bones begin to wax away my bones begin to get pain in my body. और वचन में ऐसा लिखा है भजन संहिता में कि मेरी हड्डियां में दर्द शुरू हो गई है. And then in the fourth verse the day and night your hand was heavy upon me. और दिन रात आपका हाथ You see day and night your hand was heavy upon me. और आप देखें दिन रात तेरे हाथों के तले में दबा हुआ था. Then the fifth verse it says और पांचवें पद में ऐसा लिखा है Then I acknowledged my sin to you. जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया Then I acknowledged my sin before God. और उसके बाद मैंने अपने पापों को प्रभु के आगे रख दिया. You see when you there's a purpose and there's a need for acknowledgement of sin no matter how old that relationship is. और आप इस चीज को समझ ले कि एक जरूरत है कि आप अपने पापों का अंगीकार करें प्रभु के आगे चाहे वो पाप कितना भी पुराना क्यों ना हो. So maybe even in your marital relationship, आपके शादीशुदा जीवन में भी, even in a marital relationship, you need to acknowledge the sin. आपके शादीशुदा जीवन में भी आपके जो पाप हैं, उसे आपको अंगीकार करने की जरूरत है. Outside of marriage, you might have committed a sin. शादी के बाहर शायद आपने कोई पाप किया होगा. Your husband or your wife might forgive you for that sin. आपके पति या पत्नी शायद आपको उस पाप के लिए माफ कर दें. But Unless you acknowledge your sin before God, लेकिन जब तक आप उस पाप को प्रभु के आगे अंगीकार ना करें, you will always experience the heavy hand of God over yourself. आप हमेशा प्रभु का वो भारी हाथ अपने ऊपर महसूस करेंगे. Every time you begin to you do something, you begin to cry, you begin to remember, you begin to weep, you begin to recollect all those memories. और जब भी आप कुछ करेंगे, आप रोएंगे, आप तड़पेंगे, आप उन सारे पुरानी चीजों बातों को याद करेंगे. Psalms 19 verses 7 says. और भजन संहिता 19 उसका 7 में ऐसा लिखा है. The law of the Lord is perfect, refreshing my soul. 19 का 7. जल्दी पढ़ना. The law of the Lord is It refreshes the soul. The word of God refreshes your soul. वो मेरे प्राण को बहाल करती है. When you understand your sin from the word, you need to acknowledge. Then there's a refreshing of the soul. जब आप वचन पढ़ने के बाद इस चीज को समझते हैं, एहसास होता है कि आपने पाप किया है, तो उस पाप को अंगीकार करने की जरूरत है प्रभु के आगे. You read ahead. It says the statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. Even simple people become wise when they obey the word of God. साधारण लोग भी बुद्धिमान होते हैं जब वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं. The second thing that we need to do is we need to repent verbally. We need to repent of whatever sin was committed to create the soul tie. और दूसरा चीज जो हमें शब्द इस्तेमाल करके हमें पछतावा करना चाहिए. You see, fornication or physical relationship outside of marriage is one of the most greatest sins that we can commit. और देखें शादी के बाहर जो शारीरिक रिश्ता है वो सबसे घिनौना पाप है जो हम कर सकते हैं. And it is one of the most popular way of creating a soul tie. और वो सबसे आसान तरीका है या सबसे चलित तरीका है वह एक आत्मिक बंधन. You read again Psalm 32 verses 5. आप भजन संहिता 32 उसका 5 अगर पढ़ेंगे दोबारा. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin.
पढ़ना पाँच जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नाश पाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। Now listen to this very carefully. और इस चीज को बड़े ध्यान से सुने। When you sin against a person, जब आप किसी इंसान के विरुद्ध पाप करते हैं, and that person forgives you, और वो इंसान आपको माफ करता है, that person forgives the sin you have done against that person, और आप और वो इंसान आपने जो पाप किया उस इंसान के विरुद्ध उसको भी माफ करता है। So if I sin against Shiva, अगर पास्टर शिवा सिस्टर के विरुद्ध पाप करते हैं, I confess my sin, और ये अपने पापों का अंगीकार करते हैं, she will forgive me for what I have done. और वो माफ करेंगी इन्होंने जो भी किया है। But लेकिन when I ask God and I confess my sin before God, लेकिन जब मैं प्रभु जब वो प्रभु से मांगेंगे और प्रभु से इस पाप के लिए अंगीकार करेंगे, it is not just the sin that I'm forgiven about, तब वो सिर्फ ये पाप नहीं है जिसके लिए पास्टर को माफी मिलेगी, it is the guilt of the sin that I am forgiven. वो अफसोस जो अंदर है वो भी माफ पाएगा। You begin, you see, there's a huge burden. No matter how many, you know, I remember talking to a married couple. The husband forgave the wife, and the wife still had a lot of emotions within her. She kept saying, "I cannot continue with my relationship with my husband." और पास्टर को एक 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 दंपति के बारे में याद आता है कि जिसमें उन्होंने एक पति ने पत्नी को माफ किया लेकिन पत्नी फिर भी उस पति के साथ रिश्ता बनाने में सफल नहीं रही। Because there's a lot of burden on your soul. क्योंकि आपके आत्मा पे बहुत बोझ रहता है। You see, there is your part of your life is still missing from you. क्योंकि आपके आत्मा का एक टुकड़ा आपसे अभी भी जुड़ा है। Your part of your soul is missing from your life. आपके प्राण का एक टुकड़ा अभी भी आपसे बिछा हुआ है। Irrespective of how many times we confess to the one we have sinned against, चाहे हम कितनी बार भी उस इंसान के आगे अंगीकार करें जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है, we need to open our hearts before God. हमें अपने हृदय को प्रभु के आगे खोलने की जरूरत है। We need to say, God, I sinned. और प्रभु को बताने की जरूरत है कि प्रभु मैंने पाप किया है। Many times, कई बार, you know, I remember talking to this one boy and this one boy. और पास्टर को याद है वो एक लड़के से बात कर रहे थे। He had committed a crime. और उसने एक गलती की थी। And when we confronted him, और जब पास्टर ने उसका सामना किया, he did not admit the sin. और उसने उस पाप को नहीं माना। But he defended himself. लेकिन उसने अपने आप का बचाव किया। When you defend yourself, जब आप अपने आप का बचाव करते हैं, you remain within the jail cell you have created for yourself. और आप तब उसी बंदी गृह में रह जाते हैं जो आपने अपने आप के लिए बनाया है। You, the third thing that we must do, और तीसरा चीज जो हमें करने की you must get rid of any gifts, objects, clothes, etc. that were given to you during that relationship. और आपके पास अगर कोई भी तोहफा जो उस वक्त आपके रिश्ते में मिला है उसे आपको निकाल के फेंकना है। I remember this one girl, we were talking to this girl, we were counseling her about a relationship that she had long time back with her boyfriend. और पास्टर को याद है एक लड़की के बारे में जिसको वो काउंसिल कर रहे थे जब वो एक रिश्ते से में थी। They were in a living relationship for many years and then afterwards the boy decided to marry someone else who looked better or had some other qualities and he moved away. और वो एक इंसान के साथ बहुत दिन तक एक साथ थे और फिर वो लड़का जो है वो निकल गया किसी और के साथ उसने शादी कर ली। And what she said is this, और उस लड़की ने पास्टर से ये कहा, Every time I open my cupboard, जब भी मैं अपनी कबर्ड को खोलती हूँ, And I see his shirt, मैं उसके शर्ट को देखती हूँ, I remember all those moments that we have had. और मैं हर उस पल को याद करती हूँ जो हमने एक साथ गुजारे हैं। And sometimes I just wear that shirt just to feel his warmth. और कई बार मैं उस शर्ट को पहनती हूँ ताकि मुझे उसकी उपस्थिति महसूस हो। If there are clothes, if there are ornaments, if there are anything that you have from a boy or a girl or a father or a mother, a relationship that is a bad soul tie, you need to break it. और आपके पास अगर ऐसी कोई भी चीज हो जो आपको ऐसे गलत रिश्ते के बारे में एहसास दिलाता है या याद दिलाता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे अपने कबर्ड से अपने घर से निकाल के फेंक दें। Because what that object does is this, क्योंकि वो जो चीज है वो आपके जीवन में ये करता है। It tells you that you part of you belongs to me. और वो हमेशा बताते रहता है उस इंसान को कि तेरा एक अंग मेरे अंदर है। It is like the story of the camel. और ये स्टोरी ऑफ द कैमल, और ये ऊंट के कहानी की तरह है। द ओनर सॉ द कैमल स्टैंडिंग आउट इनसाइड द कोल्ड एंड ही वाज फेल्ट वेरी सैड। और जो मालिक है उसने देखा कि एक ऊंट बाहर खड़ा है, उसे काफी ठंड लग रही है, उसे बहुत बुरा लगा। सो ही अलाउड द कैमल जस्ट टू पुट इट्स हेड इनसाइड द टेंट।
उस ऊंट को अनुमति दी कि वो अपने सर को उस तंबू के अंदर घुसा दे. Slowly you know the story. Slowly the camel puts its neck inside. और फिर हम कहानी जानते हैं. धीरे-धीरे फिर ऊंट अपने गर्दन को अंदर डालता है. Then one leg, two leg. फिर एक पैर, दूसरा पैर. Third leg, fourth leg. The owner is outside. और तीसरा लेग, तीसरा पैर, चौथा पैर, और फिर वो मालिक तंबू के बाहर आ जाता है. This is what happens with the ties that we have with our people who we have had a relationship with. और यही होता है जब हम ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखते हैं और उनकी यादें अपने साथ जुड़ी रहती हैं जिनके साथ हमने रिश्ता रखा है. The fourth thing that we need to understand is this. चौथा चीज जो हमें याद रखने की जरूरत है वो ये है. Any vows or commitments or promises that you made to each other needs to be renounced and broken off in Jesus' name. और कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन आपने वाचा एक दूसरे के साथ दिया है या बांधा है वो तुरंत तोड़ने की जरूरत है. Even simple words, I will love you, we will live together forever, I could never be with another man or girl, I cannot think about anyone else other than you. और छोटी छोटी बातें भी, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा या और किसी इंसान के साथ अपने रिश्तों को नहीं छोड़ूंगा, हर तरह के वचन जो आपने दिया है एक दूसरे को. Every word is a commitment that binds. और हर शब्द जो है वो एक वाचा है जो एक दूसरे से बांधते हैं. A simple example is marriage. और सबसे जो असाधारण उदाहरण है वो है शादी. In marriage, what do you do? अब शादी में क्या करते हैं? You take out blood from one from the guy and then inject it into the woman and take out blood from the woman and inject it into the... Is there a physical thing that is happening there during the wedding ceremony? क्या शादी के दौरान आप औरत का खून निकाल के मर्द में घुसाते हैं और मर्द का खून निकाल के औरत में घुसाते हैं? Is there anything like that? क्या ऐसा कुछ होता है? No. नहीं. You see, is what there's an exchange of rings sometimes. और कई बार शायद अंगूठियों का बदलाव होता है. But it is not the objects that signify your marriage. लेकिन ये चीजें नहीं है जो आपके शादी को बताती हैं, दर्शाती हैं. It is your word that you say, I promise to honor and keep you for the rest of my life. और ये वो शब्द हैं जो आप अपने मुंह से निकालते हैं कि मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँगा. If by your word you can get married, imagine the words that we have used for many of our relationships. अगर सिर्फ एक वचन से आप शादी कर लेते हैं तो सोचिए वो सारे वचनों को जो आपने अपने रिश्तों में कई बार कहा है. Samuel, Proverbs 21 verses 23 says, whoever keeps his tongue keeps his soul from troubles. और नीति वचन उसके 21:23 में ऐसा लिखा है कि जो अपने वचन को, whoever keeps his mouth, जो अपने मुंह को संभालता है, keeps his soul from many troubles. वो अपने आत्मा को, अपने प्राण को बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है. So if you use your mouth very rashly, अगर आप अपने मुंह से शब्दों को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करें, you need to break that bondage that you have created by your own vow, by your own promises. तो ये वक्त है कि आप उस वचन को तोड़े और इस सारे रिश्तों को तोड़े इस वक्त जो आपने बनाया है. You see, I remember there was this one girl, she had a relationship with her husband, with her father. और ये एक लड़की के बारे में पास्टर को पता है जो अपने पिता के साथ उसका एक रिश्ता था. And you know, we all know a father-daughter relationship, a mother-son relationship. और हम सबको पता है कि पिता और बेटी का और माँ और बेटे का रिश्ता कैसा होता है. And the father loved his daughter so much. और पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे. Even after marriage. और शादी के बाद भी. She would still keep saying, my daddy is the best, my daddy is the best, my daddy is the best. शादी के बाद भी वो बोलती रही कि मेरे पिता सबसे अच्छे, मेरे पिता सबसे अच्छे, मेरे पिता सबसे अच्छे. You can imagine what would happen in that marriage. और आप सोच सकते हैं कि शादी में क्या हुआ होगा. The sad part was. और सबसे दुख की बात ये है. The father was a manipulator. He would manipulate his daughter to do different things. और दुख की बात ये है कि पिता जो था वो एक धोखा देने वाला इंसान था. वो रिश्ते को हमेशा अपनी तरह से घुमाता था. He would lie to his daughter again and again and again. और वो इस अपनी बेटी को बार-बार झूठ पे झूठ बोला करता था. She would listen to him despite falling many times. She would keep listening again and again and fall to her father's traps. और वो मना करने के बावजूद भी बार-बार अपने पिता के जाल में पड़ती रहती थी. But because she kept saying, my daddy is the best, my daddy is the best, my daddy is the best. और क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मेरा पिता सबसे अच्छा है, मेरे पिता सबसे अच्छे हैं. She could not see the lies that her father was showing, father was telling. और वो उस झूठ को नहीं देख सकी जो पिता अपनी बेटी से कह रहा था. You must break all those words. और ये सारे वचनों को आपको तोड़ने की जरूरत है. Fifth thing that you must do, you must forgive that person of anything and everything that person has did wrong. और आपको उस इंसान को जो भी उसने आपके खिलाफ किया है उसे माफ करने की जरूरत है. We had an entire teaching on forgiveness. और हमारे पास एक पूरा वचन है माफ करने का. It is very difficult to forgive a person. बहुत मुश्किल है किसी को माफ करना. The hurt that a person has done can never be compared to anything else. जो दुख
जो कष्ट एक इंसान ने दिया है उसे माफ करना बहुत मुश्किल होता है। But the Bible says very clearly, लेकिन वचन में बहुत साफ लिखा है, you must forgive, आपको माफ करने की जरूरत है, so that you yourself might be forgiven, ताकि आप माफी पा सकें। You need to forgive every sin, every wrongdoing that person has done in your life. आपको हर उस चीज, हर उस गलत चीज जो इस इंसान ने आपके खिलाफ किया उसे माफ करना है। This next thing, sixth thing that you need to do is this. और छठवां चीज जो आपको करने की जरूरत है। You need to renounce every soul tie that you have created. और आपको हर प्राण बंधन या आत्मिक बंधन जो आपने बनाया उसे तोड़ने की जरूरत है। Because you have created it verbally through your mouth. क्योंकि आपने अपने शब्दों के द्वारा उसे बनाया है। You need to say it in Jesus name. और आपसे कहने की जरूरत है कि प्रभु यीशु के नाम से। Because that name is above every other name. क्योंकि वो नाम हर नाम के ऊपर है। Now you need to say in Jesus name. प्रभु यीशु के नाम से। I now renounce any godly, ungodly tie I have formed between myself and so and so person. मैं सारे जो सारे गलत रिश्तों को जो मैंने बनाया है मैं प्रभु यीशु के नाम से उस इंसान के साथ तोड़ता हूँ। Because of you know physical relationship or because of promises or because of a friendship. चाहे शारीरिक रिश्तों के द्वारा हो, चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे वाचा के द्वारा हो। You need to say those words. आपको ये शब्द कहने की जरूरत है। The last thing is. और अंतिम चीज ये है। You need to break the soul tie in Jesus name. आपको उस आत्मिक रिश्ते को, प्राण रिश्ते को तोड़ने की जरूरत है। You need to say it again. और उसे आपको दोबारा कहने की जरूरत है। You need to say, I now break every ungodly tie that has been formed between myself and between that person. और आपको ये कहने की जरूरत है कि मैं इस वक्त सारे रिश्तों को जो मेरे और उस इंसान के बीच में है, सारे रिश्तों को मैं प्रभु यीशु के नाम से तोड़ता हूं। As a result of physical intimacy or as a result of vows or promises, I break it in Jesus name. और जो शायद शारीरिक नजदीकियों के कारण या वाचाओं के कारण बनी है, मैं सारे रिश्तों को तोड़ता हूं। Now this is for the married people and only for the married people. और ये सिर्फ शादी और शादीशुदा लोगों के लिए है। Next what I'm going to tell you, I do not want any unmarried people person to try it out with a person that they might consider as a spouse. Or any unmarried person should not try this out with anybody you consider as a spouse unless you're married. Okay. अभी ये सारे उन लोगों के लिए था जो शादीशुदा थे, जो शादीशुदा नहीं हैं, वो ये सारी चीजों को उन पे ना आजमाएं जिनको वो अपने भावी पति या पत्नी के रूप में देखते हैं। There are many husbands and wives. They are living in the same house, but they are emotionally and mentally separate from each other. कई पति पत्नी ऐसे हैं जो शायद एक घर में रहते हैं, लेकिन भावना आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी अलग अलग हैं। You know, they might even be physically together, but they are mentally and emotionally separate from each other. वो शायद शारीरिक रूप से भी एक हैं, लेकिन वो भावनाओं के द्वारा आत्मिक रूप से अलग अलग हैं। You must use your vows, your words, to build a tie with your husband or your wife. आपको एक वाचा लेने की जरूरत है ताकि आप अपने पति या पत्नी के साथ वो रिश्ता को दोबारा कायम कर सकें। Proverbs 16 verses 24 says this. और नीति वचन उसका 16:24 ये कहता है। It says, gracious words are a honeycomb. और उसमें ऐसा लिखा है कि and it says sweet to the soul and healing to the bones. पढ़ना प्लीज Proverbs नीति वचन 16:24 gracious words. Husbands and wives, listen to this. पति और पत्नी इस चीज को सुने। Gracious words are a honeycomb. Do you know what a honeycomb is? क्या आपको पता है मधु का छत्ता क्या होता है? Your words are like a honeycomb, very sweet. आपके शब्द जो हैं वो एक मधु के छत्ते जैसे होते हैं। आगे it says sweet to the soul and healing to the bones. पढ़ना। और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। और हड्डियों को हरी। उससे पहले sweet to the soul. प्राणों को प्राणों को मीठे लगता है। It is sweet to the soul. Your gracious words are very sweet to your to the person's soul. आपके जो मधुर वचन हैं वो काफी मीठे रहते हैं हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए। You might be married 10, 15, 20, 30. I don't know how many years you're married for. आप शायद 10, 15, 20, 30 साल से शादीशुदा हैं। Maybe you might be married just for few months also. आप शायद कुछ महीनों पहले आपकी शादी हुई है। But every day, लेकिन हर दिन, whether you like it or not. आप चाहे पसंद करें या ना करें, whether your husband smells good or not, आपके husband पति से बदबू आ रही है, खुशबू आ रही हो,
whether she cooks good roti or not, aur chahe apni patni acha khana bana rahi ho ya nahi bana rahi ho, whether she keeps the house clean or not, aur wo ghar ko saaf rakhi ho ya na rakhi ho, whether he's become, you know, a bit big, you know, he's got a bigger belly or not, chahe uski ek pet nikla ho ya na ho, you just say I love you. Aapko kehne ki zarurat nahi, aap mujhe pyar karte, you're beautiful, aap khoobsurat ho, I will stay with you for the rest of my life, main hamesha aapke saath rahunga, rahungi. We are so used to putting it all up on Facebook. हम बहुत, हमारी आदत बन गई हर चीज को फेसबुक पे डालना. We put I love my wife, put pictures of our husband and wife together sitting in different places. और हम डाल देते हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं और पति पत्नी के बैठे हुए फोटो को भी डाल देते हैं. Even recently I came across a couple that had their photos all across the internet. और पिछले कुछ दिनों मैंने एक पति पत्नी के बारे में मुझे पता चला जिनके फोटो सारे इंटरनेट में फैला हुआ था. In every photo they are hugging, kissing, every photo they are so much so together. और हर फोटो में वो एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं. One day his profile picture has changed. There's only him alone. और एक दिन उसका प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गया और सिर्फ वो अकेले खड़ा है. This is a very serious thing that is happening today within the marriages. और ये बहुत गहरी चीज है जो हर शादीशुदा जिंदगी में हो रही है. Before you tell the world how good your marriage is, tell each other you love each other. और इससे पहले कि आप दुनिया को बताएं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है, आप एक दूसरे से बताएं कि आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं. Tell, use those words that you use for your marriage, use it again and again with your husband, with your wife. और जो वाचा आपने शादी के वक्त इस्तेमाल किया था उसे बार बार इस्तेमाल करें. The second thing, a husband and a wife, and only they have the permission to do from God is physical intimacy. और दूसरी चीज जो है वो पति पत्नी को सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी को प्रभु के द्वारा अनुमति है कि वे शारीरिक रूप से मिल जा सके. Husbands and wife consider it as a privilege. और पति पत्नी इसे एक सौभाग्य के रूप में जानते हैं. Because no one else has that privilege. क्योंकि और किसी के पास वो सौभाग्य नहीं. Those who are unmarried are at a loss. जिनकी शादी नहीं हुई वो घाटे में है. But you have such a great privilege to have entered into physical intimacy again and again with your spouse. लेकिन आपको ये सौभाग्य है कि आप एक शारीरिक रिश्ते के साथ अपने पति या पत्नी के साथ बार-बार कर सकते हैं. Physical intimacy is not just to have children. और पति पत्नी अगर शारीरिक रिश्ते में है उसका मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है. It is to ensure, it is also to make sure that you love each other. और ये इस चीज को दोबारा दोहराता है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं. It is not a forced relationship. और ये एक जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं है. It should be a mutual relationship, a mutual understanding. और ये हमेशा एक दूसरे के इजाजत के बाद ही होना चाहिए. The last thing is you need to have friendship within your marriages. और आपको अंतिम चीज जो है वो है आपको अपने शादीशुदा जिंदगी में एक दोस्ती की जरूरत है. Your first and foremost friend is your spouse. आपका सबसे बड़ा और सबसे करीबी रिश्ता आपके दोस्त जो दोस्त है वो आपके पति या पत्नी है. It is not your colleague, it is not your friend outside of marriage. वो आपके कलीग नहीं है जिनके साथ आप नौकरी करते हैं, वो आपके दोस्त नहीं है. You need to share your things with your spouse. आपको जरूरत है कि आप अपनी सारी चीजें अपने पति या पत्नी के साथ बांटें. Psalms 23 verses 3 says this. और भजन संहिता 23 का 3 में ऐसा लिखा है. Everybody say. सब कहें. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Amen. God is the one who can restore your soul. और प्रभु ऐसे हैं जो हमारी आत्मा को या प्राण को दोबारा जीवित कर सकते हैं. I realize that we have taken a lot of time today. और मुझे ये एहसास है कि हमने आज बहुत समय ले लिया है. But I want you to understand. लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ. There are many of you who are living in sin. आप में से कई हैं जो शायद पाप में अभी जी रहे हैं. Many of you have broken you have broken souls. और आप में से कई हैं जिनके टूटे प्राण हैं, टूटे आत्मा हैं. You are not able to get married, you are not able to enter into marriage, or you are not even in marriage you are not able to enjoy your spouse. आप शायद शादी नहीं कर पा रहे हैं, किसी रिश्ते में नहीं जा पा रहे हैं, या अगर आपकी शादी हुई है तो आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं. Today acknowledge your sin. आज अपने पापों का अंगीकार करें. Today acknowledge your sin and confess before God. आज अपने पापों का अंगीकार करें, प्रभु के आगे अंगीकार करें. God, I am a sinner. और प्रभु से कहें, प्रभु मैं एक पापी हूँ. Every eye closed. हर आंखें बंद हो. Every eye closed. हर आंखें बंद हो. Because of the nature of the message. क्योंकि आज का इस संदेश का तात्पर्य ये था. I do not want you to raise up your hand. मैं चाहता नहीं हूँ कि आप में से कोई भी अपने हाथों को उठाए. But लेकिन I want you to make a decision today. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आज एक निर्णय लें. The soul tie that I formed.
वो आत्मिक बंधन या वो प्राण रिश्ता जो मैंने बनाया है, I formed with a guy or with a girl. मैंने एक लड़का या लड़की के साथ बनाया है. I formed with a relative of mine. मैंने अपने एक रिश्तेदार के साथ बनाया है. Today I acknowledge it. आज मैं उसका इनकार करता हूँ. And I will confess it. और मैं आज उसके लिए प्रायश्चित करूंगा. Today make a decision. मैं आज एक निर्णय ले. You go home and delete some of that person. Some people of you need to delete the messages from your inbox. और कई लोगों को आज अपने इनबॉक्स से बहुत सारे मैसेजेस को डिलीट करने की जरूरत है. Some of you need to delete the number from your mobile. और कई लोगों को आज बहुत सारे नंबर्स को डिलीट करने की जरूरत है. Some of you need to throw out some rings and throw out some clothes from your cupboards. और कई लोगों को आज बहुत सारे अंगूठियों का और बहुत सारे कपड़ों को कमरे से बाहर फेंकने की जरूरत है. That you have, that have bound you to that person. और ये सारी चीजें जो आपको उस इंसान से जोड़े हुए हैं, you need to break it. आज इसे तोड़ने की जरूरत है. You need to throw it out. आज इसे फेंकने की जरूरत है. During this moment, और इस क्षण, make a decision. एक निर्णय ले. Lord, I will seek the help of a pastor to break my soul tie. और प्रभु, मैं एक पासवान का मदद लूँगा इस चीज को, इस रिश्ते को, इस बंधन को तोड़ने के लिए. But if you feel that you can break the tie by yourself, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस बंधन को अपने तौर पे तोड़ सकते हैं, you take these notes and begin to do it by yourself in the privacy of your home. आपने आज जो भी सुना है उसे नोट कर लें और अपने अकेलेपन में इन सारी चीजों को करने की कोशिश करें. Let's pray.